दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। अकोला महानगर पालिका के छात्रों को प्रति वर्ष निःशुल्क किताबें व गणवेश दिया जाता है। इस वर्ष भी मनपा के शिक्षा विभाग की ओर से नियोजन किया गया है। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत 7401 छात्र छात्राओं को शाला के पहले दिन किताबों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मनपा को शासन से किताबें भी उपलब्ध हो गई है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू मोमोन नेचर क्लब की ओर से योगेश्वर नगर परिसर के खुले मैदान में सेवानिवृत्त जिला सैनिक अधिकारी बोरकर के हाथों पौधारोपण किया गया। इस अभियान को पूर्ण करने में क्लब के संस्थापक अध्यक्ष हरीश शर्मा, करण साहू, प्रणव शर्मा, तेजस्विनी, श्रद्धा शुक्ला, संध्या प्रजापति आदि का सहकार्य मिला। बालकों के हक व संरक्षण के लिए जिले में बाल कल्याण समिति कार्यरत है। इस समिति के अध्यक्ष पद पर अनिता गुरुव शिंदे तथा सदस्य के रूप में शिला तोशनीवाल, विनय दांदले, प्रांजलि जायसवाल, राजेश देशमुख का चयन हुआ है। सभी सदस्यों व अध्यक्ष द्वारा हाल ही में पदभार स्वीकारने की जानकारी जिला महिला व बाल विकास अधिकारी विलास मरसाले ने दी है। पिछले 3 महीनों से अकोला का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं उतरा था, जिससे लगातार उमस, गर्मी व तेज धूप का सामना अकोलावासियों को करना पड़ा था। शुक्रवार को कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश का आगमन होते ही अकोला का तापमान लुढ़क गया। तेल्हारा तहसील के हेवरखेड़ परिसर के कई गांवों में गुरुवार की शाम हुई आंधी तूफान से कई जगह पर पेड़ धराशायी हो गए हैं। केला, पपीता, अंगूर फसलों की हानि हो गई। इसी क्रम में कल भी लगातार दूसरे दिन शाम के समय हेवरखेड़ के ही परिसर में आफत का तूफान आया। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने फिर एक बार बागों को काफी नुकसान पहुँचाया है। अकोला में चैन स्नैचेस की लगभग 2 से 3 घटनाएं कुछ महीने पूर्व की ही है, जिसमें महिलाओं के गले से कीमती गहने बदमाश ले भागे हैं। लेकिन इन घटनाओं में चैन स्नैचेस का पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस की एक टीम कई एंगल से इन चोरों का पता लगा रही है, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ग्राहकों के लिए 24 घंटे 2 टोल फ्री नंबर है 1912-1800-1023-3435 या 1800-233-3435। इन नंबरों पर मोबाइल के जरिए बिजली सप्लाई बाधित होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर उन जगहों की जानकारी भी देता है जहां भारी बारिश या तूफान के कारण बिजली आपूर्ति में तकनीकी खराबी की संभावना है। महापालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुरूप 7 जुलाई को प्रभाग निहाय अंतिम मतदाता सूची घोषित की जाने वाली है। पता चला है कि इस चुनाव में 31 मई तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा चुके मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार होगा। जिले में कोरोना संक्रमण की शुरुआत फिर से हो चुकी है। बीते दिन से लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को और एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोविड का संक्रमण भले ही कछुआ गति से हो रहा है, किंतु इससे चौथी लहर की आशंका हो रही है। अकोला में अब 4 एक्टिव मरीज हो गए हैं। विदर्भ में तापमान को देखते हुए इस क्षेत्र के स्कूल 27 जून से शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने नए सत्र में भी छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों से कोविड से सतर्कता बरतने की अपील की है। चूंकि जिले में 27 जून से स्कूल शुरू होगा, इसलिए 24 व 25 जून को स्कूल के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। दिव्य हिंदी न्यूज शहर तथा जिले की सभी महत्वपूर्ण न्यूज एवं जानकारी से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही तुरंत इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।